सही है यार, छोड़िए नहीं मेरे को हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक और नए प्रैंक वीडियो में। तो गाइस आप लोग कैसे हैं, आशा करता हूँ आप लोग मस्त और चकाचक होंगे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ फाइनली, एक हफ्ते के बाद मैं आ चुका हूँ दिल्ली में। और अभी मैं आया हूँ, कपड़े भी चेंज नहीं किया हूँ, और मेरे दिमाग में फटाफट एक प्लान आया है, क्यों ना आज एक हफ्ते बाद गुड़िया से मुलाकात मेरा हो रहा है, तो क्यों ना मैं सोचा कि क्यों ना हग प्रैंक कर लो, रोमांटिक प्रैंक बना लेंगे। तो रोमांटिक वीडियो को शूट करते हैं। और गुड़िया गई अभी टेलर के पास में अपना कुछ सूट वगैरह देने के लिए, सिलाई वलाई करने के लिए। तो जैसे ही दे के आते हैं वीडियो को शूट करेंगे, कैमरा को सेट कर देंगे। बट कैमरा में दो सेट करना पड़ेगा गाइस, एक इस कमरे में, एक किचन में, क्योंकि चाय बनाएंगी पक्का, पानी देंगी तो वहाँ भी शूट कर लेंगे। तो गाइस चलते हैं, टाइम को ख़राब नहीं करते हैं और फटाफट चलते हैं, कैमरे को सेट करते हैं। और जाते जाते प्लीज़ आप लोग को कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें प्लीज़। आप लोग वीडियो को देख कर चले जा रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अरे आ गए, क्यों बंद कर रखे हैं? अरे एसी का बाहर जा रहा है, बंद करो उसको। यार आ गए, बाहर गर्मी बहुत तगड़ा पड़ रहा है ना। आए तो घर चाबी रख के गई थी, वरना आते कहां से? कहां से आते, रास्ते से आता। अरे दीवार तोड़ के जाते हैं। दीवार तोड़ के फाइनली एक हफ्ते बाद हम तुमसे मुलाकात कर लिए। छोटे आए, छोटे बड़े नहीं आए, छोटे आए, छोड़िए। ऐसे कौन करता है? मैं करता हूँ। एक हफ्ते बाद तुमसे मुलाकात हो रहा है मेरा, आज एक हफ्ते बाद। एक मैं लाया था ट्रेन से, तुम गांव से पैदल आए थे, पता है? मतलब फोन पे ऐसे कैसे कर पाता मैं, कस्टमर केयर वाले नहीं होते सब, उनको फायदा नहीं रहता। मतलब फोन करो तो फोन का रिप्लाई नहीं, मैसेज का रिप्लाई नहीं, इतना बिजी हो जाते हैं। मतलब ये सब बातें अभी लड़ना है यार, एक हफ्ते बाद स्पेशल आया हूं मैं। कितना दबा के रखी है तुमने दिन से? क्या चीज दबा दी? सारा अपना फीलिंग, इमोशन। फीलिंग हम तो क्या दबा के रखे हो, समझ में नहीं आया मुझे। जय कहां जय यार, पर दूरी बनाओ चाय पानी। नहीं अभी यार, पहले एक हफ्ते बाद आया हूं। नहीं नहीं रख दीजिए, इतना प्यार मत दिखाइए, इतना प्यार फोन पर दिखाएंगे ना तो घर में खुशहाली रहेगी। यार तुम, मैं सही कह रहा हूं, तुम पैदल आए थे, फोन पे कैसे दिखाऊंगा ऐसे, उसे पकड़ पकड़। पकड़ने को कौन कह रहा है, पकड़ने को कौन कह रहा है वीर? यार फोन तो करना चाहिए ना, मतलब जब फोन करो। हाँ अभी करता हूँ, अभी मतलब अगर 12 बजे बोल दिए कि अभी करता हूँ तो सीधा 3-4 बजे फोन आता। हाँ चलो ठीक है, अभी करता हूँ। अरे ये कौन सी बात हुई, बिजी था यार। कैसे बिजी, मतलब तो फिर जाइए बिजी हो रही। यहाँ तो हम तुम्हारे काम में बिजी हो रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। गले मिलने आए, ये दोस्ती यही प्यार। हाँ, बीच में फोन का टकरा। आज तुम मेरे लिए तैयार हुए ना? घंटा लगाई थी वहाँ। आज तुम नया नया कैसे पहने? नया नहीं तो क्या करूँ, गर्मी है भाई। हाँ देख रहे हैं टेम्परेचर कितना है। कहाँ का? और मेरा टेम्परेचर देखो कितना है। बड़ा हरामी हो बेटा। घंटा दिल्ली से ज्यादा टेम्परेचर मेरा है। आग लग जा गले, आग लग जा गले, आग गले नहीं लगेगा, गले लग जा, फिर मुलाकात हो ना हो। अच्छा मुलाकात हो ना, एक बार गले लग जाओ उसके बाद बाहर में जाओ। बाहर में जाओ जनता, तुम आओ मेरे घर पर। यार उठो यार, मैं आया हूँ, तुम लेट गए कैसा? तो लेटिए ना, बलो लोगे तो कर डालेंगे।
मतलब जितना अच्छा आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम बाल देख रहे हो। इतना अच्छा है, इतना बकवास। मैं बकवास हो गया? बताइए पहले। अच्छा मैं तुम्हें ये एक हफ्ता मैं नहीं था, तुम्हें मेरा याद आता था? नहीं, क्यों याद आएगा? याद क्यों आएगा? याद करने वाला काम करेंगे तब ना आएगा। मैं तुम्हें रात दिन भर रोती रही, दिन दिन भर मतलब मिस करती रही मैं। अच्छा अपन लड़ाई भी कितना कर लिए। यही बोला था मैंने कि पास आके नौटंकी मत करिएगा, यही बोला था मैं तुम्हें। तो सच से बताऊं, सच से बताऊं, 12 बजे के बाद हमेशा तुम्हारा याद आता था मुझे। क्यों 12 बजे के पहले? 12 बजे से पहले कम रहता था यार, रात को 12 बजे के बाद ही तुम्हारा बहुत ज्यादा हमें याद आता। तो नहीं तो मुझे 12 बजे के बाद नहीं आता। 12 बजे से पहले मुझे बहुत 3:30 हो गया, अब नहीं याद आ रहा। 12 बजे से पहले आता है मुझे यार, ठीक है। जैसे मैं कंपनी काम से होटल में जब जाऊँ, खाना पीना खा, थकावट नहीं हो रहा है? थकावट तुम्हारे पास है, मैं सारा थकावट। अरे बस करिए, मेरे गले मिल जाओ सब थकावट। नहीं गले मिलना, नहीं मिलना भाई, हटी जाइए पहले। मुझे मजबूर मत करो मैं जबरदस्ती गले मिल लूं। पानी लेकर आऊं? मुझे मजबूर मत करो जबरदस्ती गले मिल लूं। चाय पीना है? गले मिलूं? नहीं मिलना मुझे, नहीं मिलना। बड़का गले मिलने के ना भाव खा रही है। बड़े गले मिलने के भाव खा रही है। बट मेरा नाम नितेश पांडे है, मैं गले मिल के रहूंगा। ठीक है, छोड़िए, ठीक है ना? गले मिलोगे ना? अच्छे से चलो यार, गली में चाय पानी देते यार, टाइम भी हो ज्यादा। अरे हाथ पे धुलिए, क्यों कपड़ा निकाल रहे हैं? मैं तड़प तड़प के रहता था हफ्ता पूरा। अरे झूठ बोल रहा है, क्यों जाते हैं फिर? कंपनी काम है भाई, पैसे आएगा। प्यारी समझ गई। लग जा गले तेरे मुलाकात हो गई है। मेरे बनाओ यार चाय पानी बनाओ। मेरा लाल लो टी-शर्ट कहाँ है, चेंज कर लूँ? दरवाजा पकड़ दो, ठंडा हो रहा है, रूम बाहर जाएगा। 10 minutes later. मेरा हाफ पैंट कहाँ है? वही है यार। नहीं मिल रहा है ना? गोदरेज में। गोदरेज में ढूंढूंगा यार। इतना भी तो ऐसे ले रखी कि ना मिले आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो यार, तुम्हारे हाथों का चाय पी कितना दिन हो गया मुझे, एक हफ्ता हो गया, लगता है कि कई सालों हो गए। सही में यार छोड़िए। नहीं नहीं छोड़ूंगा, तुम ऐसे बोलो तो नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़िए भाई, बनाने दीजिए। नहीं तुम ऐसे क्यों बोलोगे, मेरा मन खरोट हो गया। आई खरोट? अरे मतलब खरोट नहीं होगी यार, तुम्हें जो खुश है तुम करो हटिए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हाँ एक हफ्ते बाद आइए, मेरे साथ चिपकी है। अच्छी जाके कायम होने अरे मैं तो पैर भूल गया था यार, तुम्हारे यार के चक्कर में ना मैं सब कुछ भूल जा रहा हूँ। मैं पैर भूल गया था, धो के फिर पैंट पहना हूँ। तो फिर बताए क्यों नहीं? तुम्हारा प्यार एक हफ्ते बाद।
एक हफ्ते बाद देखा ना नशा। रहने दीजिए, जब दूर रहते हैं तो भूले रहते हैं। मैं तुमसे क्या बोला हूँ अभी अंदर, 12 बजे के बाद हमें तुम्हारा याद नहीं। 12 बजे के बाद मुझे बिल्कुल नहीं याद आती। ऐसा बोलेंगे तो ऐसे मतलब नया नया पहन के तुम बड़का हो दिखा रहे हो। क्यों नया? तुम्हें पता था ना कि मैं आने वाला, तुम नया नया पहन के। सोचिए, दिमाग में सोचिए कि एक औरत कितना करती है पति के लिए। मैं और पति है, मैं आया तो तुमने ना पहन लिया। देखो अब जैसे मैं आया मैं प्राणा प्राणा पहन लिया। मम्मी मम्मी इतना तेज हर बात में। यार मम्मी इतना तेज क्यों दबा देते हैं? अभी मेरा दिल टूट जाता है तो इसे मार देता हूँ। तुम यार कितना ब्यूटीफुल लग रहे हो यार। बकवास मत कर, बकवास कर रहा हूँ मैं। तुम मेरे साथ डांस करो ना यार। अरे चाय गिर जाएगा। चाय कैसी कैसी चाय, चाय गिर जाए मैं रहते गिर गया। मेरे तुम्हारे रहते चाय गिर जाए ना तो हम लोग का धिक्कार है। डांस करो ना यार, मुझे परेशान करके ना ये लोग बना के ले आएगी। मुझे खुश नहीं कर पा रहे हो क्या तरीका है ऐसे ही मुझे भी बुरा लगता है जब नहीं करते हैं तो। छोड़िए तुम्हारे साथ ही रहूंगा पूरा टाइम स्पेंड करूंगा। मेरे साथ टाइम स्पेंड मत करिए। नहीं करूंगा मैं भाई, तुम्हारे तो नहीं जाऊंगा। एक हफ्ते बाद तुमसे मिला हूँ मैं। छोड़िए कोई से कुछ दियो पता नहीं है घर में कौन सा शैम्पू रखा है। नहीं मैं करा सही यार, चले जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। जाइए भाई यार, तुम्हारे कहीं सोना चला जाऊंगा। मेरा पूरा वीडियो जाइए, तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ जाइए, मेरा पूरा वीडियो हो जाएगा तो मैं जाऊंगा। मतलब नहीं मतलब कि अरे अगर यही मैं वीडियो बनाता तो कैसा लगता है। वीडियो बना रहे हैं? वीडियो बना रहा हूँ मैं। भी तो आए हैं। हाँ तो बस मैं बहुत ईमानदार हूँ। क्या वो सोफा के नीचे ले लो यार। क्या है यार, कुछ शर्म भी नहीं आता। शर्म वीडियो बनाने किस बात का शर्म? गाइस वीडियो बनाने में किस बात का शर्म आप कमेंट करके बताएं और इन्हें बताएं, मेरी प्यारी वाइफ को बताएं कि कमेंट करके किस बात का शर्म। भाई एक हफ्ते बाद आया। अरे अभी गिर जाएगा। मैंने सोचा क्यों इस मौके का फायदा उठाया जाए और तुमसे हक लिया जाए। छोड़िए, नहीं छोड़ूंगा मैं। ये बात बोलो मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरे कैमरा के सामने। छोड़िए छोड़िए गाइस, कैमरे के सामने बहुत शांत बनी है। शांत शर्म लाख अपने बीबी को हैक करना कोई शर्म नहीं है। तो गाइस ज्यादा देर में रोक कहना चाहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा। पता है गाँव के लोग क्या कह रहे हैं? एक लोग हैं बस अच्छे खासे हमारे गांव के, कह रहे फलाने की लड़कियां क्या वीडियो बनाती है। बनाता कौन है और ना मेरा आता है। और पहली बात कुछ भी करे भाई, हस्बैंड वाइफ हैं हम लोग, कुछ भी करे उनसे क्या मतलब। अपने घर में देखे ना, इग्नोर करना गाइस। हाँ तुम्हारे घर में क्यों पीछे पड़े, अपने घर में देखे ना लड़की पतो न तो क्या क्या करती है। मैं तो लड़की हूँ फिर भी बदतमीज है।